दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, गिरिडीह में बड़ा हादसा, 4 बच्चों की डूबने से मौत। झारखंड के गिरिडीह में छठ महापर्व पर मातम पसर गया है। गिरिडीह के मंगरोडीह में 4 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतकों में 3 बच्चियों और 1 बच्चा शामिल है। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। आनन फानन में पुलिस को घटना की सूचना दी गई। शुक्रवार को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, हो सकते हैं कई बड़े निर्णय। झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को शाम 4 बजे आहूत की गई है। 12 नवंबर को यह कैबिनेट की बैठक कई मायने में महत्वपूर्ण होगा। इस दौरान मुख्य तौर पर नौकरियों को लेकर निर्णय लिया जा सकेगा। इसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस दौरान इस कैबिनेट की बैठक में झारखंड की दिशा और दशा तय की जाएगी। इसको लेकर कई अहम फैसला लिया जा सकता है। 11 नवंबर से लोहरदगा टोरी के रास्ते से दिल्ली पहुंचेगी राजधानी एक्सप्रेस। रांची दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 11 नवंबर से लोहरदगा टोरी के रास्ते नई दिल्ली जाएगी। रांची से दिल्ली जाने वाली राजधानी ट्रेन को टोरी पहुंचने के लिए अब मोरी बरकाकाना नहीं जाना होगा। इससे दिल्ली जाने में 3 घंटे की वक्त की बचत होगी। ट्रेन डायरेक्ट रांची से लोहरदगा होते हुए टोरी पहुंच जाएगी। अभी टोरी जाने में ट्रेन को लगभग 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन जब यह ट्रेन लोहरदगा होकर जाएगी तो 2 घंटे में टोरी स्टेशन पहुंचेगी। रेलवे बोर्ड की ओर से मंगलवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रांची T20 मैच देखने के लिए 15 नवंबर से शुरू होगी टिकटों की बिक्री। दोस्तों बड़ी खबर है, 19 नवंबर को रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड भारत T20 मैच के लिए टिकटों के मूल्य सोमवार को घोषित कर दिए गए हैं। सबसे सस्ता टिकट गैलरी का ₹900 का होगा, जबकि सबसे महंगा ₹9,000 का होगा। JSCA की प्रबंध समिति की सोमवार को हुई मीटिंग में इस बात पर निर्णय लिया गया है। 19 नवंबर को रांची में होने वाले T20 मैच की टिकट दरें क्रमशः 900, 1200, 1400, 1700, 1800, 4000, 5000, 5500 और ₹9,000 की होगी। कोविड सुरक्षा को देखते हुए कई अन्य फैसले भी लिए गए हैं, जैसे कि स्टेडियम में वही प्रवेश कर पाएंगे जिन्होंने 15 नवंबर के बाद RT-PCR टेस्ट कराया होगा और रिपोर्ट नेगेटिव होगी, या फिर उन्होंने कोविड टीके की दोनों डोज को पूरा कर लिया हो। तुपुदानव थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में 20 बरामद किया गया है। बता दें कि तुपुदाना थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 20 जिलेटिन, डेटोनेटर, फ्यूज वायर सहित ₹5,00,000 नकद बरामद हुआ है। बता दें कि इस घटना में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। छठ पूजा के दौरान शहर में नहीं होगी भारी वाहनों की एंट्री। छठ पूजा शुरू हो चुकी है। 10 और 11 नवंबर को सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन घाट पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों की नो एंट्री की गई है। इसके तहत 10 नवंबर 2021 की सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। साथ ही 11 नवंबर को भी 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक शहरी क्षेत्र में बड़े वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। राज्यपाल श्री रमेश बैस ने दी छठ महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड वासियों को छठ महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा कि लोक आस्था एवं सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के द्वितीय अनुष्ठान खरना की सभी छठ व्रतियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं।
उन्होंने कहा कि भगवान भास्कर और छठी मैया आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, साथ ही आपके जीवन में सुख समृद्धि एवं शांति लाएं। डायन प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाने वाली छुटनी महतो को मिला पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री सम्मान के लिए 2021 में नामित सरायकेला खरसावां जिले की छुटनी महतो को मंगलवार शाम राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। इस दौरान छुटनी की आंखें नम थी। छुटनी महतो ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि पिछले सारे दुखों को भूल चुकी हूँ। उन्होंने खुद को प्रताड़ित कर गांव से निकालने वालों और परिवार के प्रति आभार जताया और कहा कि यदि उन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो आज मुझे यह सम्मान नहीं मिलता। बता दें कि छुटनी महतो को पद्मश्री सम्मान की घोषणा इसी साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई थी। दोस्तों, बड़ी खबर है, वोटर लिस्ट में रंगीन फोटो लगाने के निर्देश। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को झारखंड के उप निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी जिलों के कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की बैठक की। बैठक के दौरान मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 को लेकर की गई। बैठक में सभी को निर्देशित किया गया कि मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 के दौरान प्राप्त हो रहे सभी आवेदनों को समय पर निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही बेहतर रूप से प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी नागरिकों को जागरूक करने का कार्य किया जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से मतदाता सूची में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ को रंगीन फोटोग्राफ से प्रतिस्थापित करने के कार्य को त्वरित गति से करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में बिजली चोरी रोकने के लिए होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग। दोस्तों, झारखंड में बिजली चोरी को रोकने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। इस सिस्टम के निर्धारित होने के बाद कंट्रोल रूम में बैठकर ही यह सरलता से पता लगा लिया जाएगा कि किस जगह पर किस शख्स के द्वारा बिजली की चोरी की जा रही है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन देखरेख के इस प्रोजेक्ट के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को हरी झंडी दे दी है। वहीं JBVNL के ऑफिशियल खबरों के अनुसार बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए इस अहम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने पर होने वाले खर्च का आकलन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत बिजली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों पर एक खास मीटर लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से कुल विद्युत खपत, बिजली की हानि एवं चोरी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकेगी। CBSE 10वीं 12वीं एडमिट कार्ड 2022 जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 9 नवंबर 2021 मंगलवार को CBSE कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं टर्म 1 एग्जाम के लिए CBSE एडमिट कार्ड 2021 जारी कर दिया है। CBSE 22वीं परीक्षा 2022 CBSE 10वीं परीक्षा 2022 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2021 तक चलेंगी, जबकि CBSE 12वीं परीक्षा 2022 1 दिसंबर से 22 दिसंबर 2022 तक चलेंगी। जो छात्र CBSE बोर्ड क्लास 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे वे CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in से CBSE 10वीं 12वीं का एडमिट कार्ड 2022 डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, IOCL में इन विभिन्न पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहद बड़ी खबर है। इसके लिए IOCL ने टेक्नोलॉजी और गैर टेक्नोलॉजी अप्रेंटिस के पदों पर पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे IOCL की आधिकारिक वेबसाइट IOCL.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर 2021 है। आपको बता दें कि इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि 5 नवंबर है
जी हाँ 5 नवंबर 2021 है और इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 527 पदों को भरे जाने हैं। पारा शिक्षकों के बदलेंगे दिन, 60 वर्ष तक कर सकेंगे नौकरी। झारखंड सरकार पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत झारखंड में अब पारा शिक्षक बिहार की तर्ज पर 60 वर्ष तक नौकरी कर पाएंगे, साथ ही पेंशन को छोड़कर अन्य सुविधा भी दी जाएंगी। हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर 29 दिसंबर को इसको लेकर घोषणा कर दी जाएगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में पारा शिक्षकों के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। जगन्नाथ महतो ने बताया कि हम बिहार की नियमावली का पालन करेंगे। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सरकार पारा शिक्षकों से भी सुझाव लेगी और उनके सुझावों को भी नियमावली में शामिल किया जाएगा। सरकार जल्द जारी कर सकती है 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए का सिक्का। वित्त मंत्रालय बहुत जल्द 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए का सिक्का जारी करने जा रहा है। इन सिक्कों को अधिसूचित कर दिया गया है। इसे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपए का नियम 2021 कहा जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि जिस दिन यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित होगी उस दिन से यह नया नियम लागू माना जाएगा। पहले ऐसी खबर थी कि सरकार नए सिक्के जारी कर सकती है, अब इसकी अधिसूचना जारी की गई है।